نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يعبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام بزرگو عزیز بھائیو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورہ نور کی آیت نمبر 54 تلاوت کی ہے اور ایک صحیح بخاری کی حدیث. اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہہ دیجئے اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو, پھر اگر ان لوگوں نے منہ پھیر لیا تو رسول کے ذمے وہی ہے جو اس کی ذمہ داری عائد کی گئی, اور تمہارے اوپر پھر اسی چیز کا بوجھ ہوگا جو تم کرو گے. اور اگر تم نے اس رسول کی بات مان لی ہدایت پا جاؤ گے, اور رسول کے ذمے صرف بات کھلم کھلی اور واضح طور پر پہنچانی ہے. اور بخاری کی حدیث میں یہ ہے
आपने फरमाया कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, मगर वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसने जन्नत में जाने से खुद इनकार किया। कहा गया कि जन्नत में जाने से इनकार कौन करता है, तो फरमाया जिसने मेरी बात मान ली वो जन्नत में दाखिल हुआ, और जिसने मेरी बात ना मानी वो जहन्नम में दाखिल हो गया, उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया है। मेरे भाइयों, आपकी मुनाकिद करदा जो कॉन्फ्रेंस है वो उन्वान के अतबार से बड़ी जामे है। मसलक अहले हदीस के नाम पर आप कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हैं। दुनिया में जितने भी ग्रोह पाए जाते हैं, हर ग्रोह ने किसी ना किसी शख्सियत के साथ अपने मसल की नस्बत रखी है। कुछ नस्बतें हैं लोगों की अकीदे की, कुछ नस्बतें हैं लोगों की फिकी मसाइल की, कुछ नस्बतें हैं लोगों की तज़किया और तहारत की, और हर एक काम में अलग अलग शख्सियत को मुंतखब कर रखा है। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे भाई अहनाफ हैं, फिकी मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नोमान बिन साबित के साथ मंसूब हैं, अकीदे में इमाम साहब के साथ मंसूब नहीं है। अकीदे में ये अपने आप को अशरी और मातुरीदी कहते हैं। अबुल हसन अल अशरी एक इमाम गुजरे हैं, एक अबू मंसूर मातुरीदी गुजरे हैं। अकीदे में नस्बत उनके साथ, अकीदे में इमाम साहब के साथ इनका कोई नाता नहीं है। और इसी तरह तस्किया, तहारत, पाकिजगी, अंदरूनी सफाई सुथराई, वो समझते हैं कि इसमें हमारे चार सिलसिले हैं, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी और सोहरावर्दी। ये भी चारों नस्बतें शख्सियात के साथ। मसलक एक है, अकीदे की नस्बत अलहदा है, फिका की नस्बत अलहदा है, और तज़किया और तसव्वुफ की नस्बत अलहदा है। वाहिद अहलुल हदीस ऐसे हैं जिनकी नस्बत किसी शख्सियत के साथ नहीं है। इनकी नस्बत हदीस के साथ है। अकीदे का मसला हो तब भी हदीस से, फिकी मसाइल हों तब भी हदीस से, तज़किया तहारत के मसाइल हों तब भी हदीस से, कारोबार ज़िंदगी और मामलात के मसाइल हों तब भी हदीस से। हदीस का लफ्ज़ हमारे यहाँ कुरान पर भी बोला जाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आपके आमाल, आपकी तकरीरात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात, इन सब के ऊपर लफ्ज़ हदीस बोला जाता है। अल्लाह ने कुरान में भी लफ्ज़ हदीस दोनों पर बोला है। अल्लाह नज़ला अहसन अल हदीस, अल्लाह ने सबसे बेहतर हदीस उतारी है। फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, अब इस हदीस के बाद ये और किस चीज पर ईमान लाएंगे। वइज़ असर्रन नबी इला बासे अजवाज ही हदीसा, जब नबी ने अपनी बीवियों में से किसी एक बीवी के पास हदीस को राज के तौर पर रखा,
वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में जो किस्सा आता है कि आप अपनी जौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अनहा के घर जाते थे जब, तो वहाँ से शहद पिया करते थे। आपकी दो बीवियों ने जो आपको बहुत महबूब थी, सैयदा आयशा और सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपस में मशवरा किया कि अब अल्लाह के नबी ज़ैनब के घर जाते हैं और शहद पीकर आते हैं, जब हमारे पास आए तो हमने कहना है आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। ये मगाफिर एक किस्म का गूंद था जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आए तो इन्होंने ये बात कही, तो आपने फरमाया कि आइंदा मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं तो उधर जाके शहद ही इस्तेमाल करता हूँ। तो सूरह तहरीम की फिर आयात अल्लाह ने उतारी कि या अय्युहन्नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक, ए नबी जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए हलाल बनाई है आप बीवियों की रजामंदी की खातर उसको क्यों हराम करार देते हैं। इसी ज़िमन में ही फरमाया वैज़ सर्र नबी इला बाज़ अज़वाज ही हदीसा, तो पैगम्बर का जो अपनी अज़वाज के साथ किस्सा रूनुमा हुआ उसको कुरान ने हदीस से ताबीर किया। तो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान की सूरत में वही नाज़िल हुई तब भी वो हदीस है, नबी पाक की ज़ुबान मुबारक से कोई कलिमात सादर हुए या आपने कोई अमल किया या आपके सामने आपके असहाब ने कोई काम किया, आपने रोका नहीं, उसको बरकरार रखा, ये सारी सूरतें हदीस की शुमार होती। तो हमारी नस्बत हदीस के साथ है। अहल हदीस का माना है हदीस वाला, शख्सियत के साथ नस्बत नहीं है। और अगर किसी अहले हदीस ने शख्सी नस्बत की भी है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नस्बत की है और अपने आप को मुहम्मदी कहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला। इज्जत इकराम हर मुहद्दिस फकीह मुफस्सिर मुज्तहिद आलिम की हम करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है लियाज़ु बिल्लाह कि हम इमामों को बुरा कहते हैं, कतन ऐसा नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हों, इमाम मालिक इब्न अनस रहमहुल्लाह हों, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमहुल्लाह हों, इमाम अहमद इब्न हम्बर रहमहुल्लाह हों, इमाम सुफियान बिन सईद बिन मसरूक सौरी रहमहुल्लाह हों, इमाम सुफियान बिन उयना हों, इमाम हम्माद बिन जैद हों, इमाम हम्माद बिन सलमा हों, इमाम याहिया बिन मईन हों, इमाम अली बिन अब्दुल्ला अल मदीनी हों, अलगर्ज बेशुमार आइम्मा है, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी नसाई इब्ने माजा बहकी दार कुतनी हाकिम हर मुहद्दिस और फकीह की इज्जत और उसका इकराम करते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहते। लेकिन इताअत फरमा बरदारी इत्तेबा कायनात में अगर किसी की करते हैं तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये जो नस्बतें लोगों ने लगाई ना अलग अलग, फिर इन नस्बतों का नुकसान क्या हुआ? उम्मत मुस्लिमा गुरोह बंदियों का शिकार हुई है। आप देख लें, बाज़ लोग कहते हैं तकलीद करने से ना गुरोह बंदियाँ ख़त्म होती हैं। एक तरफ ये बात करते हैं तकलीद करने से फ़िरकावारियत ख़त्म होती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि चारों इमाम हक पर हैं, जिसको चाहे अपना लो। तो चार ग्रोह बना भी लिए तो फिर भी कहते हैं तकलीद फ़िरका वारियत ख़त्म होती है। अजीब फलसफा है। हम बाकी तीनों की बात नहीं करते आज, सिर्फ इमाम अबू हनीफा के साथ जो मनसूब लोग हैं उनको देख लें।
पाकिस्तान में ही देख लें, बाहर मुल्कों में और हिसाब है, पाकिस्तान में आप देख लें दो बड़े ग्रोह पहले हैं। एक ग्रोह का ताल्लुक देवबंद के साथ है, दूसरे ग्रोह का ताल्लुक बरेली के साथ है। अब देवबंदी भी अनफी है, बरेलवी भी अनफी है, देवबंदी भी अशरी और मातुरीदी है, बरेलवी भी अशरी और मातुरीदी है। कभी आप बरेलवियों की किताब जा अल हक मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती की देखें, उसके शुरू में लिखा। देवबंदियों की किताब अकायद उलमाए देवबंद को देख लो, उसमें लिखा चारों सिलसिले तसव्वुफ के दोनों ग्रोह मानते हैं। कराची में जो मौलाना यूसुफ साहब कत्ल हुए, वो खत्मे नबूवत वाले, उन्होंने किताब लिखी इख्तलाफ़ उम्मत और सिरात मुस्तकीम, बोले यूसुफ लुधियानवी, इख्तलाफ़ उम्मत और सिरात मुस्तकीम, उसके शुरू में उसने लिखा है कि देवबंदी और बरेलवी में हमें कोई वाज़े फ़र्क समझ नहीं आया। इसी को दोनों इमाम वो लिफा को मानने वाले, दोनों तसव्वुफ़ के चारों सिलसिले मानने वाले, फ़र्क कहाँ पैदा हुआ? फिर इससे आगे निकल आओ, फिर देवबंदियों में दो बड़े ग्रोह पैदा हो गए, एक हयाती और एक ममाती। सारे तो मुकल्लद ही है ना इमाम साहब के, ये एक दूसरे को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ किताबें मौजूद हैं, मसलन जो हयाती उलमा है उनकी किताब है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, जिसका नाम है अकायद उलमा देवबंद। ममाती उठे, उन्होंने इसका जवाब लिखा अल कौल अल मुसन्नद, हयातियों ने उसका फिर जवाब लिखा ज़रबुल मुहन्नद अलल मुसन्नद। दोनों एक दूसरे को काफर समझते हैं, इश्तिहार भी छपे हुए हैं, किताबें भी लिखी हुई हैं। भाई आप बताएं, तकलीद ने ये फ़िरका वारियत रोकी? एक ही इमाम के मानने वाले आपस में कुफर इस्लाम के फतवे बांट रहे, इससे तो फ़िरका वारियत पैदा होती है। फिरका वारियत ख़त्म तभी होती है जो सारी नस्बतें तोड़कर मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नस्बत जोड़ ली है तो जोड़ लो, या फिर किताब सुन्नत के साथ। सियासी इख्तलाफ या काम करने का तरीके का इख्तलाफ हो सकता, लेकिन मनज का अकीदे का इख्तलाफ ख़त्म नहीं होता। जब कुरान और सुन्नत को बुनियाद बना लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान आया ना, ये भी किताबुल्लाह है, और जो आपकी हदीस है वो भी किताबुल्लाह है, दोनों अल्लाह की तरफ से। सही बुखारी किताबुल लिबास, सही मुस्लिम किताबुल लिबास, दोनों हदीस की मोतबर किताबें हैं। दोनों के अंदर लिबास के चैप्टर में हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा कहा लअनल्लाहुल वाशिमाती वल मुस्तौशिमाती। अब भाई जी गोटे चाट दो, तुझे सौन लग गए खुतबे से, घुटने पकड़ के बैठना खुतबे में जायज़ नहीं है। लेकिन नींद आ गई, थोड़ा सा तो खुतबे का टाइम होता है, अब सो के गुजार दें तो मेरे आने का या कोई भी खतीब आए तो उसका क्या फ़ायदा है, जाग के रहें। खुतबा जुमा में तो टेक लगा लेते हैं या घुटने पकड़ लेते हैं ना, ये सूरत ठीक ही नहीं है। इससे सुस्ती पैदा होती है, काहली पैदा होती है, खतीब ने जो तज़किर और नसीहत करनी होती है वो ऊपर से गुजर जाती है। मैं बार दफ़ा कहता हूँ सोए बंदे को ठाकर में मैंने क्या कहा है, उसको कोई पता नहीं होता। फिर मैं उसको कहता हूँ देखे आप जिंदा हैं, सोए हुए हैं, और आपको कोई पता नहीं मैंने क्या कहा। लोगों के तो मुर्दे भी सुन लेते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना वो हमारे, हम यहाँ पे पढ़े वो वहाँ पे सुने। तो तवज्जो कीजिए, किताबुल्लाह कुरान भी किताबुल्लाह और नबी पाक की सुन्नत और हदीस भी किताबुल्लाह है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि ऐसी औरतों पर लानत है अल्लाह की जो अपने जिस्म में
सुराख करके सुई के साथ गोद कर नील भरती या फूल छूल बनाती है ना, सुरमा भर लेती है। कई लोगों को आपने मर्दों को भी देखा होगा, ड्राइवर पहलवान तबका टैटू बनाए होते हैं ना जिस्म के ऊपर। तो फरमाया ऐसा काम करने वाली और करवाने वाली दोनों औरतें लानती हैं। वल मुतनम्मे साथ, और जो अपने चेहरे के बाल खींचती हैं, थ्रेडिंग करती हैं, बड़ों के खास तौर पर ये बाल उखाड़ उखाड़ के बारीक सी लाइन बनाती हैं, इन पर भी फरमाया लानत है। वल मुतफल्ले जात, ये दांतों में सुराख करती हैं ताकि अलग अलग हर दांत नजर आए, फरमाया ऐसा काम करने वाली औरतों पर भी लानत है। ये क्यों करती थी? लिल हुस्न, हुसन और खूबसूरती बढ़ाने के लिए, डेकोरेशन पीस अपने आप को शो करने के लिए। फरमाया ये जो बन संवर के हुसन को दुबाला करने के लिए दिसंबर टैटू बनाती हैं, या चेहरे के बाल खींचती हैं, या अपने दांतों में सुराख पैदा करती हैं, इन पर अल्लाह की लानत दो। अल-मुगैरात लखल्किल्लाह, ये अल्लाह पाक की तखलीक को तब्दील करने वालियां हैं। एक औरत जिसका नाम था उम्मे याकूब, वो मजमे से उठी, उसने कहा इब्ने मसूद, तुम ऐसा काम करने वाली औरतों पर लानत कर रहे हो। फरमाया मालिया ला अलानो मन ला आना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिन बीबियों पर अल्लाह के नबी ने लानत की है, इब्ने मसूद उन पर लानत क्यों ना करे? इब्ने मसूद तो इसलिए लानत कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने लानत की है। साथ फरमाते हैं वहुवा फी किताबिल्लाह तआला, ये जो मसला मैंने बताया है ना, ये किताबुल्लाह के अंदर है। वो बीबी हमारी औरतों की तरह अनपढ़ नहीं थी। दुनिया की हम जितनी मर्जी तालीम दे लेते हैं, बड़े खर्चे नखरे उठा उठा के बच्चियों को बहुत दूर तक पढ़ाते हैं जितनी हिम्मत हो सकती है, कुरान पढ़ाने के लिए टाइम नहीं होता, सुन्नत और हदीस पढ़ाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। बच्ची जो ही 3.5 साल की होती है, चलो प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, 1 क्लास, मैट्रिक कर लिया साइंस के साथ, अब अगली फिगर हो जाती है इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, फिर उस शोबे में दाखिले के लिए कोशिशें, अच्छे से अच्छे कपड़े, वर्दी बेहतरीन, महंगी से महंगी फीसें और ट्रांसपोर्ट का अच्छा इंतज़ाम। जब स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए वापस, फिर वो सबक याद करवाने के लिए ट्यूशन, बेहतर से बेहतर ट्यूशन। इतने खर्चे करता है दुनिया की तालीम पर, और जो मुफ्त तालीम मिले कुरान की सुन्नत की, जिसके ऊपर आखिरत की कामयाबी की जमानत और बुनियाद है, उसको पढ़ता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर लेता है, कुरान पाक अच्छा सा खरीद लिया, गुलाब और चोली चढ़ा दी उसके ऊपर, घर में संभाल के कोने में रख दिया बरकत के लिए, बेटे की शादी होगी कुरान के नीचे से गुजार देंगे, ये बरकत के लिए कुरान के साए तले से गुजार दो जी, अगले घर जाकर इसके घर में कोई झगड़ा फसाद ना हो, बरकत हो, या फिर कोई बीमारी आ गई, कोई झगड़ा हो गया, फिर किसी पीर साहब के पास मौलवी साहब चले, मौलवी जी कुरान का कोई तवीज़ ही कर दे हो, बेटी मेरी जो है उसका घर आबाद नहीं हो रहा, सास रोजाना लड़ती है, कोई तवीज़ ही बांध दो, हमने कुरान के साथ ये रिश्ता रखा हुआ है। रोज़े क़यामत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की अदालत में ऐसे लोगों के खिलाफ केस दायर करेंगे जो कुरान छोड़े हुए हैं। दुनिया की अदालतों में तो फैसले बदल जाते हैं ना, रिश्वत के साथ फैसला बदल जाता है, कोई तगड़ी सिफारिश मिल जाए रिश्ता तब्दील, फैसला तब्दील हो जाता है।
ना हो तो कुछ ना नजर आने वाली मखलूक रातों को मिलके फैसले तब्दील करवा लेती है, लेकिन अल्लाह की अदालत में ऐसा नहीं होगा। वो एक जर्रे के बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। तिर्मिज़ी के एक हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह अपने बंदे से कहे, ला ज़ुल्म इंदी, मेरे बंदे मेरे यहां किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होता। जो किसी ने किया है उसके मुताबिक उसका फैसला। तो फैसला करने वाला अल्लाह होगा, जज उस दिन अहकमुल हाकिमीन, सबसे बड़ा फैसल अल्लाह होगा। और अल्लाह की मखलूक में सबसे इज्जत और शान वाले, सबसे ऊंचे अहले हदीस के इमाम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दई होंगे, मुद्दई दावा दायर करने वाले अल्लाह की अदालत में। मुद्दा लाए कौन होंगे? जिनके खिलाफ केस लगेगा वो लोग जिन्होंने कुरान को कभी पढ़ा और समझा ही नहीं है। और दावा क्या होगा? या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ मेरे रब बिला शक्को शुबा मेरी इस कौम ने कुरान छोड़ रखा था। दुनिया में किसी बंदे के खिलाफ केस अदालत में लग जाए और मुद्दई भी बड़ा तगड़ा और मजबूत हो और जज भी उसका अपना हो, लोग मुद्दा लै जो होते हैं मुकाबला करने से डरते हैं, यार इसके मुकाबले में खड़ा कोई मुसीबत ही ना खड़ी करते। हालांकि यहाँ सारा कुछ तब्दील हो जाता है। तो आप बताएं कि मेरे अंदर या आपके अंदर ऐसी हिम्मत होगी कि हम नबी पाक के मुकाबले में अल्लाह के टहरे में खड़े हो जाएं और वो जो आप केस दायर करें हम उसको अपने हक में करवा लें? तो जब कुरान ये बता रहा है रोज़े मख्शर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहाँ कहेंगे मेरे रब मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ रखा था, तो हमें इस आयत से सबक लेना चाहिए ना, खुद भी कुरान पढ़ना चाहिए और बच्चों और बच्चियों को भी कुरान पढ़ाना चाहिए। तो बेटियों को तालीम, हम दुनिया की तालीम के खिलाफ नहीं है, हम इस चीज़ के खिलाफ है कि दीन नीचे रख दिया और दुनिया ऊपर चढ़ा दी। नहीं, दुनिया को नीचे रखो, दीन के ताबे करो और दीन को सरबुलंद करो। तरजीह कुरान को दो, तरजीह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस को दो, दुनिया के निज़ामों को तरजीह न दो। इनको चलाओ कुरान और सुन्नत के ताबे रख कर। तो वो औरत उम्मे याकूब नामी कुरान जानती थी। जब इब्ने मसूद ने कहा कि ये जो काम करने वाली औरतें हैं ना जिन पर मैं लानत कर रहा हूँ, जिन मसलों का जिक्र कर रहा हूँ, ये किताबुल्लाह में है। उस औरत ने कहा करातु मा बैन लौहैन मा वजदतु फीह, दो तख्तियों और फटियों के दरमियान जो अल्लाह की किताब का नुस्खा है मैंने उसको पढ़ा है। मा वजदतु फीह, जो मसला तुम कह रहे हो ये मैंने किताबुल्लाह में नहीं पाया। अब बात समझने वाली है, कुरान वो पढ़ी हुई थी, अलहमद से लेकर बन्नास तक पूरा कुरान पढ़ चुकी हुई थी। तो कहती मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, मा वजद तो फी है, इब्ने मसूद जो मसला आप कर रहे हैं ना ये मसला मैंने किताबुल्लाह में नहीं पाया। आप भी गौर करें, जिन्होंने कुरान पढ़ा है, कई कुरान में लिखा हुआ है कि जो जिस्म के ऊपर टैटू बनाया उस पर लानत है, कहीं कुरान में लिखा हुआ कि चेहरे के जो बाल नोचते हैं उन पर लानत हो, कहीं कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि दांतों के दरमियान सुराख करने वालों पर लानत हो। पूरा कुरान पढ़ते कहीं भी नहीं लिखा हुआ। बीबी ने यही इतराज़ उठाया कि अब्दुल्ला बिन मसूद तुम कह रहे हो किताबुल्लाह में है, मैंने किताबुल्लाह का नुस्खा पढ़ा है उसमें तो नहीं है। वो थे कुरान समझ कर पढ़ने वाले साहबी, कुरान फहमी
یہ ضروری ہے۔ خالی لفظوں کی تلاوت لازم نہیں ہے، لفظوں کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف کا اللہ اجر دیتا ہے، لیکن اصل مقصد ایک ایک لفظ جو آپ پڑھتے ہیں اس کا معنی مطلب آپ کو آنا چاہیے۔ پھر میں کہتا ہوں، انگریزی کی تعلیم آپ لیتے ہیں نا یا بچوں کو دیتے ہیں تو رٹے نہیں لگواتے، ایک ایک حرف کو، لفظ کو، سینٹینس اور فقرے کو سمجھا کے پڑھاتے ہو۔ اب پہلی کلاس کا قاعدہ لے لیں، جب اے بی سی بچہ پڑھتا ہے، پہلا حرف انگریزی کا خالی اے ہی یاد کرواتے ہو یا قاعدے میں لکھا تھا اے فار ایپل اور آگے ایپل کی تصویر، سیب کی قاعدے میں تصویر دی ہوتی ہے، ساتھ ترجمہ لکھا ہوتا ہے سیب، تاکہ اے ایک لفظ عربی کا، انگریزی کا حرف ہے، اے کو یاد کرے، ایک پورا لفظ، اس کو اے سے بننے والا بھی آئے، ایپل، اے ڈبل پی ایل ای ایپل، اور ایپل کا ترجمہ بھی آئے کہ سیب، اور بچے کو پتا بھی ہو کہ سیب کیسا ہوتا ہے تو اس کی شکل سامنے ڈال دی، بیٹا اس طرح کا سیب ہوتا ہے، اور اس کو انگریزی میں ایپل کہتے ہیں اور یہ اے سے شروع ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کے بارے میں بھی ایسا ہوا، چلو الف پڑھے تو کہ الف سے مراد اللہ، با سے بسم اللہ، کبھی اس طرح پڑھایا؟ ایک ایک لفظ قرآن کا ساتھ لگاؤ، 29 حروف تہجی کے ساتھ ساتھ ترجمہ سمجھاؤ، جس کی کوئی شکل مجسم بن سکتی ہے وہ ساتھ بنا کے بتاؤ کہ یہ لفظ ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے اور یہ اس کی شکل ہے۔ مثلا تا یا گئی، اب کہ تا سے تفاہن، تفاہن کو سیب کہتے ہیں، اگر سیب ڈال دو، نہیں تو نبی پاک کی جہادی زندگی پڑھانی ہے تو تیز سے تلوار، آگے تلوار کی شکل ڈال دو۔ اور بچے کو پتا تو ہونا کہ کتاب و سنت کے یہ الفاظ ہیں، ان کا یہ معنی ہے اور اس کی یہ شکل اور صورت ہے، تاکہ اس کے ذہن میں عربی کے 29 الفاظ پہلے سال ہی بیٹھ جائیں اور 29 لفظ قرآن کے ترجمے کے ساتھ اس کو آ جائیں۔ آگے بڑھے تو پہلی کلاس تک جاتے ہوئے 3 سال ہیں، 3 سالوں میں 29 اور 30 لفظ جلد 90 کے قریب جا کر الفاظ وہ پہلی کلاس میں جاتے ہیں، 90 لفظوں کا جس بچے کو ترجمہ آ جائے اس کے لیے قرآن کی منزلیں آسان ہو جاتی، لیکن ہم نے قرآن سے یہ ناطہ ہی نہیں رکھا۔ تو عبداللہ بن مسعود ان صحابہ میں سے تھے جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے تھے، اور یہی دعا قرآن فہمی کی آپ نے عبداللہ بن عباس کو دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، اے اللہ عباس کے بیٹے عبداللہ کو کتاب کا علم عطا کر اور دین کی سمجھ بوجھ دے۔ تو بی بی کہتی میں نے تو پڑھا ہے، تو یہ مسئلہ تو کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی بندی، لو قراتی ہے لوجتی ہے، لو قراتی ہے لوجتی ہے، اگر تو نے کتاب اللہ کو پڑھا ہوتا نا، ضرور یہ مسئلہ کتاب اللہ میں پا لیتی۔ مقصد ان کا تھا سمجھ کر، سوچ کر، غور و فکر کر کے پڑھا ہوتا تو یہ مسئلہ کتاب اللہ میں تمہیں ملتا۔ پھر کیا دلیل دی؟ فرمایا اما قرأتی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول جو دیں لے لو، جس سے رسول روک دے اسے رک جاؤ؟ کہتی ہاں یہ آیت تو قرآن میں ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ آیت قرآن میں تو نبی نہیں ہے تو بات بتائی نا، جب پیغمبر نے بتائی ہے تو قرآن کے لئے پیغمبر جو دیتا ہے وہ لے لو، پیغمبر جس سے روکتا ہے اسے رک جاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود کا یہ آیت پڑھ کے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مسئلہ ذکر کر کے یہ بتانا کہ یہ کتاب اللہ کے اندر ہے، اس سے یہ بات سمجھ آتی کہ نبی کی بات بھی کتاب اللہ ہے، قرآن بھی کتاب اللہ ہے، اور پیغمبر کی بات بھی کتاب اللہ ہے۔ آئیے ایک اور دلیل صحیح بخاری مسلم سے عرض کرتا،
ये हदीस जो है इसको मुहद्दिसीन कहते हैं हदीस असीफ, हमजा सीन या और फा, असीफ। असीफ कहते हैं मजदूर को, मजदूरी करते हैं ना मजदूर लोग। वो एक साहबी का बेटा किसी दूसरे घर में मजदूरी करता था, दौरान मजदूरी उस लड़के से एक गुनाह हो गया। गुनाह क्या हुआ, जिस घर में जाकर काम करता था उस घर के अंदर मौजूद खातून के साथ जिना कर बैठा। लड़के के बाप को जब इलम हुआ कि मेरे बेटे ने गलती की है, आज के दौर का बाप नहीं था, औलाद की गलती हो तो उसके ऊपर पर्दा डाल दो और दूसरों की गलतियां तो उछालना शुरू कर दो। जो सही तरबियत वाले माँ बाप होते हैं ना, बच्चे से गलती हो तो उसको पकड़ते हैं, उसको समझाते हैं, अगर उसकी वो शरी सज़ा बनती है ना तो शरी सज़ा का निज़ाम हो, वो शरी सज़ा दिलवाने की भी कोशिश करते हैं ताकि दुनिया में इसका पलड़ा साफ हो जाए, क़यामत वाले दिन अल्लाह की पकड़ से बच जाए। तो उसने क्या किया, अपने बेटे की गलती मुआफ़ करवाने के लिए, बुजुर्गो आप स्वे टोपी सोए तो लाना, फिर मैं खुतबा नहीं दे सकूंगा अगर आप सुन, छोड़ दें घुटने। दौरान खुतबा पहले भी मैंने बताया घुटने पकड़ के बैठना मना है, कोई नहीं टोल आ लो उत्थे पीछे, सोना नहीं। मैं तो जलसे नहीं लोगों को सोन देना, तो छोटा जहा खुतबा। पर याद रखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी ने अपने बेटे का गुनाह माफ़ करवाने के लिए क्या किया, 100 बकरियां और 1 गुलाम फिदिये के तौर पर दे दिया ताकि मेरे बच्चे की गलती माफ़ हो जाए। हमारे जैसा होता तो पहले जाकर उन घर वालों के कहते तुम्हारी गलती है, तेरी औरत ने मेरे बच्चे को बरगलाया है। तो उसने क्या किया, 100 बकरियां और 1 गुलाम फिदिये में दिया। फिर उसको किसी ने बताया तेरे बेटे ने जो जुर्म किया है वो इस उसकी ये सजा नहीं है, ये जुर्माना नहीं है उसको, वो और औरत का खामद दोनों केस लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। और आप भी अदल इंसाफ करने वाले थे ना, मशहूर हदीस है ना अपनी बेटी फातिमा के बारे में फरमाया था, लौ कानत फातिमा तो बिन्तो मुहम्मदिन सारा कत्ल कता तो यदा, अगर मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती हद में कोई नरमी ना करता उसका हाथ भी काट देता। उस नबी के पास केस आ गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरत का खामद कहने लगा, फ़क़्ज़े बैनना बिकिताबिल्लाह, हम दोनों के दरमियान आप किताबुल्लाह से फैसला करें। हदीस में आता है वो लड़के का बाप सयाना था तो उसने कहा क्यों नहीं अल्लाह के नबी किताबुल्लाह से ही फैसला करेंगे। जब आपने केस सुना तो आपने लड़के के बाप से कहा ये 100 बकरियां और 1 गुलाम रुद्दत अलैका वालबने का जल्द में आतेन व तकरीब आमिन, ये 100 बकरियां और 1 गुलाम तुझे वापस कर दिए जाएंगे। तेरे बेटे को 100 कोड़े लगेंगे और 1 साल के लिए जलावतनी होगी, इस इलाके से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और आपके पास आपके एक साहबी थे उनका नाम था उनैस, फरमाए वग़दो या उनैसो अलमरत हाजा फने तरफत फरजुमहा, ए उनैस सुबह सवेरे इस आदमी के घर जाओ, इसकी बीवी के पास जाकर पूछो उससे, अगर अपने जुर्म का इकरार कर ले, जुर्म तस्लीम कर ले, उसको रजम कर देना। ये फैसला दिया और फैसले से पहले एक तारीखी जुमला फरमाया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने खुतबा दिया पहले और फरमाया वल्लाहे लाअख्ज़ यन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की कसम है
मैं तुम दोनों के दरमियान किताबुल्लाह की रूह से फैसला करूँगा। नबी पाक कसम के बगैर भी बात करें तो किसी मुसलमान को शक नहीं है। हम तो इतना सच्चा मानते हैं, बगैर कसम के भी आप बात कर दें, आपकी बात में एक जर्रे का भी झूठ नहीं है। आप सादिक व मसदूक पैगंबर हैं, सादिक व अमीन पैगंबर हैं, तो आप अल्लाह की कसम दोनों के दरमियान किताबुल्लाह से फैसला करूंगा। तो क्या फैसला किया? कंवारा था लड़का, उसको कोड़े, और शादीशुदा थी तो उसको रजम। अब आप देखिए कुरान में ये तफसील है कि खैर शादीशुदा को कोड़े और शादीशुदा को रजम, ये तफसील सराहत के साथ कुरान में नहीं है, ये नबी पाक की हदीस और सुन्नत में है, आपके फैसलों में है। तो नबी अपने फैसले को किताबुल्लाह फरमा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि पैगंबर का जो भी फैसला है, आपने उम्मत को जो भी दरस दिया है, वो किताबुल्लाह है, का वो कुरान की सूरत में है, का मोहम्मद करीम के हदीस और सुन्नत की सूरत में है, दोनों किताबुल्लाह है और दोनों ही हक हैं, दोनों ही हक हैं। कुरान कहता है सूरह मुहम्मद शुरू वाली आयतें देख लें, लज आमनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक्कु मिन रब्बिहिम। मोमिनों की बात करते हुए अल्लाह कहता है वो तो ऐसे लोग हैं, आमनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मद, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी अल्लाह ने उतारा है ना, आप पर जो कुछ भी नाजल किया गया है उस पर ईमान लाते हैं, वहुवल हक्कु मिन रब्बिहिम, और वो ही इनके रब की तरफ से हक है। यानी जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है वो ही हक है। तो नाजिल क्या हुआ है कुरान से पूछ लो। मैं इसलिए कुरान के ज़्यादा वालों की बात करता हूँ कि कोई ये ना कह दे कि ज़ईफ़ है, कुरान तो ज़ईफ़ ही ना है। कुरान से पूछ लो कि मोहम्मद करीम पर क्या उतारा है अल्लाह ने। सूरतुन निसा وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، किताब और हिकमत अल्लाह ने आप पर उतारी है। وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، पहली आयत सूरह निसा की है, ये सूरह बकरा दूसरे पारे की आयत है। किताब और हिकमत को उतारा है, और हिकमत का माना है सुन्नत। कहाँ लिखा है? सही बुखारी में, तफसीर तबरी में, तफसीर कबीर राजी में, तफसीर कशाफ में, तफसीर इबन कसीर में, तफसीर ज़ादुल मुसीर में, और इबन जौज़ी की, इबन अलामा सुयूती की, अलामा रब्बुल इत्तेबा में, हाफिज़ इबन क़य्यम की इज्तिमाउल जुयूश इस्लामिया में, इमाम बुखारी के उस्तादुल उस्ताद अहमद इबन हम्बल के भी उस्ताद इमाम अब्दुल रज़ा की तफसीर में भी लिखा है। अल हिकमा का माना अस्सुन्ना। तो किताब और हिकमत उतारी तो क्या मानो? कुरान और सुन्नत को अल्लाह ने उतारा है। तो बिमा नुज़िल अला मुहम्मद वहुवल हक, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी उतारा गया वो ही हक है। अबू दाऊद, मुसनद अहमद, मुस्तदरक हाकिम, तबकात इब्ने साद, जामे व बयार इल्म फजल ही, इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब, पांचों किताबों में हदीस है। आपके एक सहाबी अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल आस रजी अल्लाह अनहु, नबी पाक जब बोलते थे ना, आपकी ज़ुबान से जो कलमा भी निकलता और अपने अब्दुल्लाह बिन अमर सुन लेते वो लिख लेते थे। कुरैश के लोगों ने कहा मुहम्मदुन बशरुन यतकल्लम फिर रज़ाबल गज़ब, मुहम्मद तो इंसान है, गज़ब में भी बोलते हैं और रजामंदी में भी बोलते हैं, खुश हों तब भी बोलते हैं, गुस्सा आया हुआ फिर भी बोलते हैं, तुम हर सूरत में लिखते हो। मना किया कि अब्दुल्ला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात ना लिखा कर।
अब्दुल्ला बिन अमर ने नबी पाक को आकर बताया कि या रसूल अल्लाह, कुरैश के लोग मुझे रोकते हैं कि मैं आपकी बातें लिखता हूँ, ये कहते हैं आप कभी गज़बनाक होते हैं कभी राजी होते हैं, तो हर सूरत में बोलते, अब लिखते ना लिखा करो। मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक्तुब, हुक्म दिया उक्तुब, जुबान की तरह इशारा किया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक्कुन, अब्दुल्ला लिख उस जात की कसम है जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, मेरी जुबान से हक के सिवा कुछ निकलता ही नहीं, मैं खुशी में भी बोलूं तो हक कहता हूं, गजब और गुस्से में भी बोलूं तो हक कहता हूं। पैगंबर की बताई हर बात हक है, इसलिए हम कहते हैं अहले हक वो हैं जो पैगंबर की मानने वाले हैं, अहले हदीस वो है जो कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, जो इत्राम सबका करते हैं, इतात और इत्तेबार फरमा बरदारी अपने ऊपर लाजम समझते हैं अल्लाह की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अलामा सुयूती की एक किताब है अल कंज़ुल मदफून फिल फुल्किल मशहून, इस किताब के 149 सफ़े के ऊपर उन्होंने लिखा वल्लज़ी यजिब अन युकाल कुल्लु मन इंतसबा इला इमाम गैर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयुआली अला ज़ालिका वयुआदी अलैहि मुब्तदिउन खारिजुन अन सुन्नति वल जमाअ सवाअ फिल उसूल वल फुरू। कहते हार वो बंदा जिसने किसी इमाम के साथ निस्बत कायम की, कुल्लो मन इंतसबा इला इमाम, हर शख्स जिसने किसी भी इमाम के साथ निस्बत जोड़ी, कौन सा इमाम, गैर रसूलिल्लाह रसूल पाक के सिवा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा जिसने भी किसी इमाम के साथ अपनी निस्बत कायम कर ली, वह हुआ युवादी अला ज़ालिका युवादी अलैहि है, वो दोस्ती और दुश्मनी उसी अपनी निस्बत के ऊपर रखता है। अनफी कहेगा मेरा तो दोस्त हुआ जो इमाम साहब को मानता है, शाफ़ी कहेगा मेरे ताल्लुक़ वाला वो जो इमाम शाफ़ी को मानता है, हम्बली कहेगा मेरे ताल्लुक़ वाला वो जो अहमद इब्ने हम्बल के साथ मनसूब है, ज़ाहरी कहेगा मेरे साथ ताल्लुक़ वाला वो जो दाऊद ज़ाहरी को मानता है, जाफरी कहेगा हमारे साथ ताल्लुक़ वाला वो है जो जाफर सादिक़ को मानता है। नबी को छोड़कर गैर नबी दीगर इमामों से निस्बत लगाई, दोस्ती दुश्मनी का उसको मैयार बनाया। कहते मुब्तदिउन, ये बंदा बिदती है, खारिज सुन्नत वल जमा, आले सुन्नत वल जमात से खारिज है, सवाअन फिल उसूल अविल फुरू, खा उसकी निस्बत अकीदे में हो खा वफी की मसाइल में हो, इतकादी निस्बत भी लगानी तो अल्लाह के रसूल से लगाओ। वाहिद अहले हदीस है, कहते अकीदा भी लेना है तो मोहम्मद करीम से लो, शरी मसाइल लेने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से लो, तज़किया तहारत का कोई मसला है तो मोहम्मद करीम से लो, दीन अल्लाह ने नबी को देकर भेजा है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम्हारे पर पूरी कर दी और इस्लाम बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद किया। जब यह आयत नाज़िल हुई, जितने फिकी मसाले के हैं आज या इतकादी, इनमें से कोई भी मौजूद नहीं था, वो लोग थे जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को मानते थे, नबी जो बयान करते थे उसको मानते थे, लेकिन मुख्तलिफ निस्बतों वाले नहीं थे। आइए मैं कुरान से एक मिसाल देता हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आप कुरान से लें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों ने कहा वो यहूदी थे, ईसाइयों ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे, मुशरिकीन मक्का ने कहा वो हमारे थे, अल्लाह पाक ने फरमाया मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे
نہ عیسائی تھے بلکہ ایک اللہ کی طرف جھکنے والے مسلم تھے اور مشرک بھی نہ تھے. کیوں نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی کیوں نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیوں نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام مشرکین مکہ سے ناتار تعلق رکھنے والے کیوں نہ تھے؟ اللہ نے ایک دلیل اتاری ہے. غور کریں، یہودی کب بنے؟ موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد. عیسائی کب بنے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد. موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو تورات کو ماننے والے کہتے ہیں، تورات آئی تو ان کا وجود آیا نا، وہ یہودی بنے. انجیل آئی نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کے آمد کے بعد ہی. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو کوئی عیسائی نہیں تھا نا. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی یہودی تھا؟ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ. تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی اور عیسائی ہونے کا دعویٰ تب کر سکتے جب ابراہیم کے ہوتے ہوئے تورات اور انجیل ہوتی، پھر دعویٰ کرتے کہ ہاں ابراہیم بھی ہمارے گروہ سے تعلق رکھتے تھے. اللہ نے کہا نہ ابراہیم یہودی ہے نہ عیسائی ہے، دلیل یہ ہے کہ تورات بھی ان کے بعد آئی ہے، انجیل بھی ان کے بعد آئی ہے. یہ گروہ بننے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے بعد والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے گروہ سے. ایسے ہی ہم کہتے ہیں، کوئی حنفی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی پاک حنفی تھے. کیوں؟ نبی پاک کے بعد پیدا ہوئے. کوئی شافی نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک شافی تھے. کیوں؟ شافیت بھی امام محمد علی شافی کے بعد بنی. یہ سارے گروہ بعد کی پیداوار ہیں. ہاں وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کے ساتھ ہمارا تعلق یا آپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، جو صرف وہی کی بات کرتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث اس وقت تھا جب اللہ کے نبی آئے. آپ خود قرآن اور حدیث لے کر آئے ہیں. آپ کی دعوت کتاب اللہ ہے، آپ کا دین منزل من اللہ ہے. تو منزل من اللہ دین لے کر آئے ہیں، اور جو منزل من اللہ دین سے لوگ رشتہ ناتا رکھتے ہیں، ان کا تعلق نبی پاک کے ساتھ. لیکن یہاں تو معاملات ہی الگ ہیں. کلمہ نبی کا پڑھیں گے، بات ماننے کی باری آئے تو نبی پاک پیچھے اور اپنا مفتی مجتہد عالم آگے. بڑی مثالیں ہیں اس کی. میں ایک مثال دیتا ہوں. فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی. اب ایک بندہ بعد میں آیا، ابھی اس نے سنتے نہیں پڑھی فجر کی، تو کیا کرتے ہیں؟ مولوی نے بتایا ہوا ہے اگر آپ کو آخری رکعت بھی ملنے کا چانس ہو نا، پیچھے کھڑے کو سنتے پہلے پڑھو. فرض جاتا ہے جائے، سنت نہ جائے نا، یہی نتیجہ ہوا نا. تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ بخاری میں ترجمۃ الباب میں حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب فرض نماز کھڑی کر دی جائے تو فرض کے سوا کوئی اور نماز نہیں ہوتی. عبداللہ ابن عباس کے متعلق حدیث ہے، مسلم ابی داؤد تیالسی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے نا جب، تو بلال نے اقامت کہنا شروع کر دی. ابن عباس سنتے پڑھ رہے تھے، نبی پاک نے پکڑ کر کھینچ لیا، نماز توڑ دی ان کی. کہ اب فجر کی جماعت ہونے لگی ہے، نماز جب اقامت کہہ دی جائے تو کوئی اور نماز نہیں ہوتی. اور یہاں کیوں نہیں چھوڑتے؟ امام کا فتویٰ ہے. ایک عالم میں نے ان کا پڑھا ہے جس نے اس شکوے کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہمارے لوگ غلط کرتے ہیں، علامہ غلام رسول سیدی بریلوی عالم ہے، شرح صحیح مسلم لکھی 7 جلدوں میں. اس حدیث کی شرح میں انہوں نے اپنے لوگوں کی غلطی بیان کی، بلکہ اس نے کہا فقہی طور پر بھی غلط ہے. اس لیے فقہی لحاظ سے فرض کا رتبہ بڑا ہے اور سنت کا رتبہ چھوٹا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ بڑے رتبے والی جو چیز ہے نا اس کو برباد کر رہے ہیں اور چھوٹے والی چیز کو پیچھے پڑاؤ. فقہی اعتبار سے بھی غلط اور پیغمبر کے فرمان کی روح سے بھی غلط.
इसकी बेशुमार मिसालें हैं कि नबी की हदीस कुछ कह रही है और जो इमामों के साथ मंसूब है वो हदीस नहीं देखता, वो अपने इमाम का कौल देखता है, इसलिए कि उसके नज़दीक दलील ही इमाम का कौल है। एक मिसाल और देता हूँ, नमाज जब आप पढ़ते हैं अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेते हैं, ये बात नहीं है कि आप कहाँ बांधते हैं, हाथ बांध दें। हनफी भी बांधता है, शाफी भी बांधता है और हम्बली भी हाथ बांधता है, अहले हदीस भी हाथ बांधता है। मौली हुसैनाबद मदनी दारुल देवबंद के बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी किताब है दरस तिरमिज़ी, 399 सफ़ा है, मुल्तान से छपी है। किताब में लिखा एक हनफी, एक शाफी और एक हम्बली, तीनों हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं। एक मालकी के पास चले गए, मालकी हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ता है, ये तीनों उसको जाकर कहते हैं हम तीनों बांध के पढ़ते हैं, तू खोल के क्यों पढ़ता है? उसने इनको जवाब ये दिया, उसने कहा आपको पता है मैं इमाम मालिक का मुकल्लिद हूँ, दलील पूछनी है तो जाकर मालिक से पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो, मुकल्लिद के तो काम ही नहीं दलील पूछना। वो भी तीनों मुकल्लिद थे, बिल्कुल खामोश होकर वापस आ गए, अगली बात नहीं की। उनको भी पता लग गया भी हम तो गलत कर रहे हैं, जब हम मुकल्लिद हैं तो मुकल्लिद के लिए तो दलील कौल इमाम होता है, उससे तो कुरान और सुन्नत से क्या गलत है, उसके लिए दलील उसके इमाम का कौल है। लेकिन ये भी बातें मेरे भाइयों मौलवियों ने अवाम के लिए रखी हैं, जब मौलवी साहब को ख़ुद ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर इमाम साहब का कौल छोड़कर किसी दूसरे इमाम के पीछे चला जाता है। मिसाल मैं बड़ी आम फाम सादा सी आपको देता हूँ, कोई मस्जिद कोई मदरसा ऐसा नहीं होगा जिसमें मौलवी साहब को, कारी साहब को, ख़तीब साहब को तनख्वाह ना मिलती हो, इल्ला माशाल्लाह कोई हज़ारों में से एक आध उसका अपना बिजनेस है वो नहीं तनख्वाह लेता, आम रूटीन यही है, कारी को भी तनख्वाह मिलती है, इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं तनख्वाह लेते हैं, ख़तीब खुतबा देता है तो तनख्वाह लेता है। कोई अनफी मदरसा देख लो, जाके पूछ लो, सारे उस्ताद सारे मौलवी तनख्वाह लेते हैं, खा तनख्वाह पैसे की सूरत में हो, खा अनाज और गल्ले की सूरत में हो, आड़ी सोने भी तो लेंदे ना देहातों में, ख़ास तौर पर गंदम का सीज़न है गंदम ले ली, चावल का सीज़न है मौली साहब को चावल दे दिए, फसलें जो ना उगाई तो मौली साहब के घर फसल भेज दी, या तो वो भी उजरत ही। तो ज़रा इनसे पूछो, कौम को तो कहते हो कि इमाम अबू हनीफा सबसे ज़्यादा कुरान हदीस जानते थे, इस मसले में भी इमाम साहब को कोई पता था कि नहीं पता था? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दीनी कामों पर उजरत लेना हराम है। तीसरी सदी हिजरी तक जितने अनबिय काबिर उलमा थे सबका यही फतवा है। तो इन बाद वाले अनफियों ने कहाँ से फतवा ले लिया कि हमारे लिए हलाल हो गया, ये भी एक कहानी है। इमाम शाफी के नज़दीक जायज़ है, इमाम अबू हनीफा के यहाँ हराम और इमाम शाफी के नज़दीक जायज़ है। मौली खलील अहमद सहारनपुरी ने अबू दाऊद की शरह लिखी है बदलुल मजहूद फी हल्ले अबी दाऊद किताबुल बुयू बाब कस्बिल मुअल्लिम, उस्ताद की तनहा का चैप्टर अबू दाऊद में उसकी शरह में लिखा है कि इमाम शाफी के नज़दीक जायज़ और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हराम, खाली नजायज़ नहीं हराम। अब कद अफ्तो बाज़ुल मुताख़िरीना अला मज़हब शाफ़ई लिज़ुरूरत, ज़रूरत के तहत हमारे बाद में आने वाले हनफियों ने इमाम शाफ़ी के कौल पर फतवा दिया है। ज़रूरत किसकी थी? मौलवी के पेट की ज़रूरत, और तो कोई ज़रूरत या मुशर्रफ़ वाला नज़रिया ज़रूरत? भाई अपनी बारी मौलवी की आए उसको ज़रूरत पड़े तो इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़कर शाफ़ी के कौल पर फतवा दे ले, ये सहूलत अवाम को भी कभी दे दो, मसले हल हो जाए। कि भाई कोई मसला आ गया है तो अगर आपके इमाम की तरफ से उसका हल नहीं मिल रहा ना तो कहीं और से पूछ लो, जहाँ से आपकी ज़रूरत पूरी होती हो किताब व सुन्नत की रूह से मसला पूछ लो, ये इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन अपने लिए ज़रूर इजाज़त देंगे। तो मेरे भाइयों
जितने भी इमाम गुजरे हैं ना, किसी इमाम का ये सबक नहीं है कि नबी की जहाँ हदीस हो, सुन्नत हो, नबी का फरमान हो तो उसको छोड़कर हमारे पीछे लगना। सारे इमामों का ये सबक है, जहाँ मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस होगी किसी की नहीं चलेगी। आखिरी बात, इमाम अबू हनीफा की फिका में सबसे मशहूर आलिम, उनके शिगिर्दों में बड़े शिगिर्द और उस्ताद वो हैं काजी अबू यूसुफ, जिनके मुतलक तारीख़ की किताबों में ये लिखा हुआ है, अगर काजी अबू यूसुफ नाना होते तो इमाम अबू हनीफा को शायद कोई जानता भी ना होता। ये इब्न खलदून ने ज़िक्र किया, वफ़यातुल अयान में भी है, इब्न खल्लकान ने भी लिखा है। इसलिए कि वो चीफ जस्टिस लग गए थे ना, तो फिर काजी भी वही रखते थे जो हनफी होता था, तो हुकूमती लेवल पर बाकायदा फिर इसकी नशरोशात हुई। बहरहाल काजी अबू यूसुफ वफात से 3 दिन पहले फरमाते हैं, इमाम ज़हबी की किताब तज़किरतुल हुफ्फाज़ में लिखा है, इमाम ज़हबी ने नकल किए, काजी अबू यूसुफ मरने से 3 दिन पहले कहते हैं, कुल्ला मा अफ्तई तो फ़कद रजात वन हो, मैंने ज़िंदगी में जितने फतवे दिए आज मैं सबसे रुजू करता हूँ, इल्ला मा वाफ़कल किताब व सुन्ना। अब काजी अबू यूसुफ की वही बात है जो किताब व सुन्नत के मुताबिक, वो तो चलो तौबा करके मरने से पहले, आप ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, तौबा कर लो इन बातों से, अल्लाह और उसके रसूल से आगे पढ़ने का हुक्म नहीं है। जब कलमा नबी का पढ़ा है, बात भी नबी की मानो, कलमा पैगंबर का पढ़ा है, नबी ने जो अमल तुम्हारे लिए करके दिखाया उसके ऊपर चलो, इज़्ज़त इकराम मैंने पहले कहा सब की करो, इमाम अबू हनीफा की भी इज़्ज़त करो, मालिक शाफी अहमद की भी इज़्ज़त करो, दीगर जितने किबार उलमा मुहद्दिसीन फुकहा मुफस्सरीन आए, एहतराम सब का करो, लेकिन दीन शरीयत वो है जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, और इताअत और इत्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की करोगे कामयाब और कामरान हो जाओगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें रसूल पाक का सच्चा अमली मुहिब बनाए और नबी पाक की सुन्नत और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम उलमा मुहद्दिसीन फुकहा जितने भी मुफ्तियान गुजरे, इस्लाम के बड़े बड़े लोग गुजरे, अल्लाह हमें सब की इज्जत और तकरीम करने की तौफीक दे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। पहले खुतबे में मैंने शुरू में बुखारी की एक हदीस जिक्र की, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसने जन्नत में जाने से खुद इनकार किया। अब आप गौर करें, कोई बंदा अपने आप कहता है मैं जहन्नम में जलूं, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मुझे नेमतें नहीं चाहिए, कोई मुसलमान ऐसी बात कहता नहीं है, ज़ुबान से इनकारी नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने क्यों फरमाया कि जो जन्नत में जाने से इनकारी होगा वो नहीं जाएगा? जब सवाल किया कि या रसूल अल्लाह जन्नत में जाने से इनकार कौन कर सकता, मैं या अबा कौन सा बंदा है जिसको जन्नत में जाने से इनकार हो, तो क्या फरमाया, जिसने मेरी बात मानी वो जन्नत में दाखिल हुआ, जिसने ना मानी वो जन्नत में जाने से इनकारी है।
इससे मालूम हुआ जुबान से ही इनकार जरूरी नहीं, अमल से भी इनकार होता है। जुबान से तो कोई भी इनकार नहीं करता था, इसलिए तो अल्लाह के नबी से कहा ना, यार सर मैं या अबा कौन इनकार करता है। इसका मतलब है पैगंबर की जो नहीं मानता वो जन्नत में जाने से उसका अमल इनकार कर रहा है। तो हमेशा अमल ऐसे अपनाओ जो जन्नत में जाने वाले हो, आपको जन्नत में ले जाए। मसले भी वही पूछा करो जो जन्नत में ले जाए। जब हम मौलवियों से मसले पूछते हैं बड़े ऊटपटांग सवाल करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम क्या था, आदम अलैहिस्सलाम का निकाह किसने पढ़ा था, हकमार कितना था, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस लकड़ी की बनी हुई थी, कौन कौन का मिस्त्री लगा हुआ था कील ठोंकने, अजीब अजीब सवाल करते। सहाबा ऐसे सवाल नहीं करते थे। उनके सवाल क्या थे, कभी आप बुखारी मुस्लिम या कम अज़ कम मिश्कात किताबुल ईमान की पहली फसलें देख लें। सहाबी आते हैं, या रसूलल्लाह दुल्लानी अला आमालिन इज़ा अमिलतुहू दखलतुल जन्ना, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं वो अमल करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। वो ऐसे बात पूछते थे। आपने ईमानियात बताए, नमाज रोज़ा वगैरह बताया ना, तो वो बातें सुन के ना आपकी, कहते हैं वल्लाहे ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुसु, अल्लाह की कसम है जो आपने बता दिया ना, ना इसमें इजाफा करूँगा ना कमी करूँगा। समझते दीन वही है जो मोहम्मद करीम ने बताया है, उसमें माल इजाफा भी जायज़ नहीं और कमी भी जायज़ नहीं है। जब ये बात कही और वो निकलने लगा, आपने साहबा को कहा मन सर्रहू ऐं यंदुर इला रजुल मिन अहलिल जन्ना फल यंदुर इला हाजा, और तुम्हें जिस बंदे को ये बात अच्छी लगती है ना कि वो किसी जंती को देखे, तो ये जो बंदा जा रहा है इसको देख लो, ये जंती है अगर इसने सच कहा है तो। क्या मालूम हुआ, पैगंबर की तालीमात में जो कमी बेशी नहीं करता, जितना नबी ने बताया उसको दीन समझकर उस पर चल पड़ता है, तो अल्लाह के नबी ने तो जीते जी बता दिया कि ऐसा बंदा जन्नती है। तो जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के रसूल की इताअत ज़रूरी, इसलिए फरमाया जिसने मेरी बात मानी ना वो जन्नत में जाएगा, जिसने बात नहीं मानी वो जन्नत में जाने से इनकारी है। अब मैं भी सोच सकता हूँ, आप भी सोच सकते हैं, अपने आप को देखकर, अपने घर वालों को देखकर, हम कितनी नबी पाक की मानते हैं और नबी के मुकाबले में अपनी बातें, अपने बाप दादा की बातें, कबीले बरादरी की बातें, ख़ानदान की बातें, अपने मौलवियों की बातें कितनी मुकाबले में रखी हुई हैं। किसी को देखना ना सही सच्चा मुसलमान है, उसके दो मौके आप देख लें आपको पता लग जाएगा कितना नबी पाक को मानता है। एक खुशी का मौका और एक गमी का मौका। उनकी शादी देख लो, अगर नबी पाक के तरीके पर ही तो समझ आ जाएगा नबी पाक को मानने वाले हैं, वरना बड़े बड़े अहले हदीस कहलवाने वाले भी शादियां जब आती हैं तो हिंदुओं वाले रस्म रिवाज करते हैं। अब तो वो बड़ा महजब सा लफ्ज़ आ गया, बुजुर्ग कह रहे हैं कंजर नाचते हैं, अब वो जो कंजर होते थे ना आज लोग उनको अदाकार कहते हैं, नाम बदल दिए, काम वही है। जैसे फरमाया ना कुर्बे क़ियामत को लोग शराबे पियेंगे नाम बदल देंगे, शराब पियेंगे शराब नहीं कहेंगे विस्की, नाम चेंज कर देंगे। आज हमारे मुसलमानों के घरों में ये हो रहा है। गमी का मौका फिर देख लो, बड़े बड़े किताब और सुन्नत के दाई भी कितने कितने दिन भूरे पे बैठे रहेंगे, और फिर लोग कहते उधर कहेंगे नहीं 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 तीजा साता ये बिदतें रिवाज हैं रस्में हैं, और ख़ुद तीजे का लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, तीसरे दिन जलसा रख लेंगे मैयत वाले घर। बरादरी आई हुई है आज ही सबकी रोटी पका लो। मेरे भाइयों ये दो मौके अगर आप हम सीधे कर लेना, खुशी में आकर बैठ ना जाएं, और गमी में दुख और गम में आकर शरीयत से हट ना जाएं, ये दो मौके सीधे कर लिए तो समझो हम नबी पाक को मानने वाले हैं। हर बंदा गौर करे, ज़रूर गौर करे। आपके हर साल माशाल्लाह कॉन्फ्रेंस होती है, इसके अलावा भी उलामा आते हैं दुरूस होते हैं, तो अगर हमने दरसों से नसीहत ना ली तो ये जितने आप पैसे खर्च करते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितने इश्तहार आप छापते हैं, लाइटें करेंगे, खाने पकाएंगे, अगर नसीहत ना किसी ने ली तो सारी रात भी मौलवी बोलता रहा तो क्या फ़ायदा होना है, आने का भी फ़ायदा नहीं है। और अगर एक छोटा सा दरस हुआ
और उसके ऊपर अमल करने वाले हम सारे बन गए, वो थोड़ी सी नेकी बहुत बड़ी कामयाबी वाली है। इसको यूं समझ लें, एक बंदा सोने और चांदी का बहुत बड़ा ख़जाना खर्च करता है, फिर लोगों को बताता फिरता ये मस्जिद मैंने बनाई। मस्जिद जाओ ना ज़रा अंदरों देखो केडी सोहनी टाइल लगी, सारी मैं लवाई, फलाना मदरसा है, मैं उसका खर्चा मैं उठाता हूँ, इतनी बेवा औरतें हैं उनके घर में राशन भेजता हूँ, लोगों को बताता है। तो वो सोने चांदी का ढेर भी लगा खर्च कर सब ज़ाया। और एक बंदा अल्लाह को राज़ी करता है, नबी पाक की सुन्नत पर चलता है, देने को कुछ भी नहीं है, एक खजूर है उसके पास, कितनी की बड़ी है, हाँ खजूर पूरी नहीं, चीरी काटा उसको दो टुकड़े कर लिए, एक खुद खा ली, एक अल्लाह के रज़ा के लिए किसी गरीब को दे दी। नबी पाक ने फरमाया सही बुखारी की हदीस है, इत्ताकुन नारा वलो बशिक्के तमरा, जहन्नम की आग से बच जाओ अगर आधी खजूर देकर भी बचना पड़े। तो मुखलिस हो जाओगे अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ, किताब के साथ, सुन्नत के साथ, थोड़ा अमल भी निजात का ज़रिया बनेगा। और अगर मुखलिस नहीं होंगे, सिर्फ बस भाग दौड़ लगी हुई है, अमल कोई नहीं है, तो फिर वो जितने करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी खर्च कर लो सब बर्बाद। तो मेरे भाइयों, ये मैं आपको दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, गौर करें इसके ऊपर, अपने आप को संवारना है। हमारे उस्ताद हज़रतुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहते थे, वो कहते थे तीन चीज़ें जिस बंदे ने सही कर ली, वो सर से लेकर पांव तक इस्लाम पर चलने वाला बन जाता। नंबर एक, फिक्र व अकल, ये जो अल्लाह ने अकल दी है ना, फिक्र सोच, इसको अल्लाह की वही किताबें करते, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात आए ना, वह अपनी मन अकल को दखल ना दे, अकल के साथ समझने की कोशिश करे, लेकिन अकल अपनी को अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर हाकिम ना बनाए, इससे तो अकीदा सही होता। दूसरी सूरत, कौल व अमल, बात भी करे शरीयत के मुताबिक, अमल भी करे तो। तीसरी बात, सूरत व शक्ल, जैसे वो अंदर से पाक और साफ़ हो ना, तो उसका ज़ाहिर भी शरीयत के मुताबिक हो। मर्द है, दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो, लिबास शरीयत के मुताबिक हो, औरतों के साथ मुशाबे लिबास ना पहने, और जिस तरह रेशम का खालस लिबास है वो ना पहने, यहूदियों ईसाइयों काफरों का कोई शियार और अलामत है वो ना अपनाए, औरत है घर के अंदर है अपना सलवार कमीज दुपट्टा उसका ख्याल करे, घर से बाहर निकलती है हिजाब और पर्दे का ख्याल करे, सूरत और शक्ल भी वही किताबें कर ले तो कामयाब हो जाता है। मैं देखता हूँ बड़े बड़े अलदीस हैं, मस्जिदों के सदर हैं, नमाज पढ़ने नहीं आते हैं सदर साहब, और या फिर नमाज पढ़ने आएंगे कभी कभी दाढ़ी बिल्कुल ही नहीं होती, कब आएंगे मौलवी को जब छुट्टी करानी हो, चल मौलवी साहब तुम्हें फलानी नमाज से नहीं सीना आगे तो हम तनख्वाह देने, मैं सदर हूँ चल छुट्टी कर, ऐसा होता है मस्जिदों में ना मेरे भाइयों। सदर से भी उतनी पूछा है जितनी एक नमाजी आम से और एक इमाम से पूछ है। हर शख्स को हुक्म है, ईमान वालो उदखुलु फिस्सिल में काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मैं समझूंगा ये आज आपका जलसा खुतबा कामयाब है तब, जिन्होंने दाढ़ियाँ नहीं रखी वो दाढ़ियाँ रख लें, जिनके कपड़े शरीयत के ख़िलाफ़ वो सीधे कर लें, जिनके घरों में हिंदुओं वाले खत्रियों वाले रवाज और रस्में हैं सब छोड़कर नबी पाक की सुन्नत के ऊपर चल पड़े, तौहीद के ऊपर कायम हो जाएं, शिरक से बच जाएं, बिदात और रसूमात और खुराफात से अगर आप बच गए समझो आपके जलसे कामयाब हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कहना पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला हमें बाअमल सच्चा मुसलमान बनाए, नबी पाक का सही मानों में मुहिब बनाए। सहाबा जिनके अजमत के लिए हम लड़ते हैं ना, वो नबी पाक के सही सच्चे मुहिब थे। नबी ने कोई अमल ऐसे आदतन भी किया होता, देख लिया कि जिस सहाबी ने मेरे नबी ने ये किया है उसी तरह करते थे। टाइम नहीं तो मैं आपको बेशुमार मिसालें दे, मैंने भाइयों को कहा था खुतबा ना रखें जलसे में, टाइम रखें था दो चार घंटे में आपको समझाऊँगा अच्छे तरीके से। तो खुतबे में चूँकि टाइम इतना नहीं होता, मुझे कह रहे थे चलो मेहमान आ जाता हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं 5-10 मिनट ऊपर, तो इसलिए मैंने कहा चलो फ़ायदा उठा लूँ, मुझे भी फ़ायदा हो जाए, अल्लाह करे आपको भी फ़ायदा हो जाए।
तो अल्लाह हमें रसूलुल्लाह का सच्चा पैरोकार बनाए, सच्चा मुहिब बनाए, तौहीद और सुन्नत का पाबंद बनाए। अल्लाह हमें हर तरह के कुफर शिरक से, नाफरमानी से, बिदआत से, रसूमात से, खुराफात से महफूज फरमाए। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताए ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशा वल मुनकर वल बग़्य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।